जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली की और प्रधानमंत्री मोदी के लिए महान नवनिर्माण सेना की तरफ से बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। राज ठाकरे एनडीए से जोड़ने वाले हैं, ये बात लंबे समय से कही जा रही थी, लेकिन इसने रफ्तार पकड़ी पिछले हफ्ते जब राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। राज ठाकरे अब एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। क्या राज ठाकरे की पार्टी को लोकसभा की सीट मिलेगी? क्या राज ठाकरे एनडीए के समर्थन में रैली करेंगे? क्या राज ठाकरे का बीजेपी से गठजोड़ विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा? इन सवालों के जवाब 13 अप्रैल को होने वाली एमएनएस की बैठक के बाद मिल सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे के नए अलाइनमेंट पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप जनता को क्या बताओगे, कारण क्या है उसके पीछे? लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? राजनीति में रिश्ते वक्त और जरूरत से तय होते हैं। बीजेपी का साथ राज ठाकरे की पार्टी का चुनावी परफॉर्मेंस सुधार सकता है, तो नुकसान बीजेपी का भी नहीं है, क्योंकि एमएनएस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कोर वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है।